नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि फोन टैपिंग मामले में केंद्र सरकार के खिलाफ केस वापस। भजनलाल सरकार ने फोन टैपिंग मामले में केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर केस वापस ले लिया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की एप्लीकेशन को मंजूर करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। तत्कालीन गहलोत सरकार ने फोन टैपिंग से जुड़े मामले में दिल्ली पुलिस को राजस्थान में जांच से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दायर की थी। भजनलाल सरकार ने की ओर से 20 जुलाई को अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थना पत्र लगाकर कहा था। राजस्थान में आया भूकंप। पाकिस्तान में बुधवार दोपहर आए 5.8 तीव्रता के तेज भूकंप से राजस्थान में भी धरती कांप उठी। इस भूकंप का असर राजस्थान के सीमावर्ती जिले गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर के एरिया में रहा, जहां हल्के झटके महसूस होने के बाद लोग घरों और दफ्तारों से बाहर निकल गए। इस भूकंप से राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में झटके महसूस हुए। 10 से कम वोट वाले बूथों को भाजपा बनाएगी मजबूत। देश भर में इस समय बीजेपी का सदस्यता अभियान चल रहा है। कार्यकर्ता नए सिरे से बीजेपी की सदस्यता ले रहे हैं। इसी के तहत बुधवार से महासंपर्क अभियान की शुरुआत हो गई है। इस महासंपर्क अभियान में पार्टी उन बूथों पर फोकस करेगी जिन पर लोकसभा क्षेत्र में 10 से कम वोट मिले। इन बूथों को मजबूत करने के लिए नेताओं को मेंबर बनाने का टास्क दिया है। इन 7 दिनों में महासंपर्क अभियान के तहत बीजेपी के सभी बड़े नेता अपने अपने बूथ पर जाकर नए लोगों को पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे। भारत पाकिस्तान सीमा पर पकड़ी नशे की फैक्ट्री। भारत पाकिस्तान सीमा से सटे बाड़मेर में एमडी ड्रग का नशा तैयार करने की फैक्ट्री पकड़ी गई है। फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में नशा तैयार कर राजस्थान, गुजरात के अलावा देश के प्रमुख शहरों में सप्लाई किया जाता था। दरअसल जिले के रामसर थाना इलाके में बीते कुछ सालों से रेतीले ढोरों में झोपड़ी और कमरा बनाकर फैक्ट्री संचालित की जा रही थी। रामदेवरा मार्ग पर जिंदा मोर्टार बम मिलने से दहशत। जैसलमेर के रामदेवरा मेले में पैदल जा रहे श्रद्धालुओं को चाचा रामदेवरा मार्ग पर एक जिंदा मोर्टार बम मिलने से दहशत फैल गई। बीच रास्ते में मिट्टी में आधे दबे मोर्टार बम को देख हड़कंप मच गया। बीच रास्ते में पड़े मोर्टार बम पर अगर कोई गाड़ी आदि गुजरी तो बड़ा हादसा होने की आशंका पदयात्रियों ने जताई। बम की जानकारी लाठी थाना पुलिस को दी है। जयपुर, जोधपुर और कोटा में एक ही नगर निगम रहेगा। सरकार प्रदेश में वन स्टेट वन इलेक्शन के साथ ही एक शहर एक निकाय का मॉडल भी लागू करेगी। इसके तहत जयपुर, जोधपुर और कोटा में बनाए गए दो दो नगर निगमों को खत्म करके एक ही रखा जाएगा। पिछली कांग्रेस सरकार ने इन शहरों में एक की जगह दो दो नगर निगम बनाए थे। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने एक शहर एक निकाय लागू करने का दावा किया है। बारिश में भीगते हुए छात्र नेताओं ने किया प्रदर्शन। छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र नेता शुभम रेवाड़ की छात्र क्रांति पदयात्रा आज सीकर पहुंची। छात्रों ने एसके ग्राउंड से लेकर शेखावाटी यूनिवर्सिटी तक रैली निकाली और यात्रा के प्रथम चरण का समापन किया। छात्र नेता ने बताया, राजस्थान में छात्र संघ चुनाव की परंपरा को तोड़ा जा रहा है। मंत्री मदन दिलावर ने जोधपुर में की जनसुनवाई। जिला प्रभारी और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जोधपुर दौरे पर है। उन्होंने सर्किट हाउस में जनसुनवाई की। आमजन की समस्याओं को सुनकर संबंधित विभागीय अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए। दिलावर ने जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण और फलोदी क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याओं को सुना। खरनाल में तेजाजी मेला में उपराष्ट्रपति धनखड़ आएंगे। लोक देवता तेजाजी महाराज के निर्वाण दिवस पर जन्मस्थली खरनाल में विशाल मेला भरेगा। 13 सितंबर को होने वाले आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। इसके लिए मंदिर कमेटी और पुलिस प्रशासन की ओर से तैयारियां की जा रही हैं। मेले में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी पहुंचेंगे। जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित ने बताया, उपराष्ट्रपति करीब 1.5 घंटे तक तेजाजी महाराज की जन्मस्थली खरनाल में रुकेंगे और इसके बाद निर्वाण स्थली सुरसुरा जाएंगे। राजस्थान में अब तक 10 लाख भाजपा सदस्य बने। भाजपा ने देश भर में 10 करोड़ से ज्यादा एवं प्रदेश में 1.25 करोड़ से ज्यादा सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। राजस्थान में अभी तक 10 लाख से ज्यादा सदस्य बनाए जा चुके हैं। अभियान को सर्वव्यापी समर्थन मिल रहा है। इसी के तहत अब 11 से 17 सितंबर तक महासंपर्क अभियान चलाकर बड़े स्तर पर नए सदस्य बनाए जाएंगे। राज्य किसान आयोग के अध्यक्ष एवं भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष CR चौधरी ने मंगलवार को भीलवाड़ा में यह बात कही।
EKYC नहीं तो 1 नवंबर से नहीं मिलेगा राशन। प्रदेश में फर्जी तरीके से राशन उठाने वाले लोगों पर लगाम कसने की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही राशन वितरण में बदलाव किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा योजना में EKYC नहीं कराने पर लाभार्थियों को 1 नवंबर से राशन नहीं मिलेगा और उनका नाम खाद्य सुरक्षा योजना की सूची से बाहर कर दिया जाएगा। सस्ता राशन लेने के लिए 31 अक्टूबर तक EKYC करवानी होगी। इधर ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस व्यवस्था के बाद 10 लाख से ज्यादा फर्जी तरीके से राशन लेने वाले लोग कम हो जाएंगे। इसके साथ ही गोदारा ने बताया कि खाद्य सुरक्षा में अब इनकम टैक्स देने वालों और 4-व्हीलर मालिकों के नाम बाहर किए जाएंगे। इसके लिए इनकम टैक्स और परिवहन विभाग को लेटर लिखकर इसकी लिस्ट मांगी गई है। चौपहिया वाहन में ट्रैक्टर और कमर्शियल वाहन को छूट दी गई है और इनके मालिकों के नाम बाहर नहीं होंगे। अब ऑन डिमांड होगी 10वीं-12वीं की ओपन बोर्ड परीक्षा। राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड 19 साल बाद परीक्षा में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। अब 10वीं-12वीं की परीक्षा साल में 2 बार की बजाय हर महीने करवाने की तैयारी की जा रही है। ऐसा करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य होगा। शिक्षा निदेशालय के निदेशक आशीष मोदी ने बताया कि राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल अब ऑन डिमांड एग्जाम की व्यवस्था ला रहा है। इस व्यवस्था के तहत अगर किसी कक्षा में कम से कम 10 स्टूडेंट्स भी एक साथ परीक्षा देने को तैयार होते हैं तो ओपन स्कूल परीक्षा कराएगा। ऐसा प्रयोग करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। सांसद राजकुमार रोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लिखा पत्र। रोजगार बहाली को लेकर 72 दिनों तक शहीद स्मारक पर धरना देने वाले राजीव गांधी युवा मित्रों को नियुक्ति देने के मांग को लेकर बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट से भारतीय आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखा है। रोत ने अपने सोशल अकाउंट एक्स पर पत्र की कॉपी जारी कर लिखा है कि भजनलाल शर्मा राजीव गांधी युवा मित्र योजना के तहत कार्यरत युवा मित्रों को हटाए जाने के बाद 72 दिन लगातार धरने के बावजूद राज्य सरकार इसमें संज्ञान नहीं ले रही है। इन सभी युवा मित्रों को पुनः नियुक्ति दी जाए। उपचुनाव से पहले बीजेपी संगठन में बदलाव की तैयारी। राजस्थान में 6 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले बीजेपी प्रदेश संगठन में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ पिछले 2 दिन से दिल्ली दौरे पर है। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष से मुलाकात की। राठौड़ की दोनों नेताओं से प्रदेश में संगठनात्मक बदलाव और उपचुनाव को लेकर चर्चा हुई है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि राठौड़ के जयपुर आने के बाद जल्द ही नई टीम का ऐलान हो सकता है। जयपुर के पूर्व राज परिवार की संपत्ति पर कब्जा। जयपुर के पूर्व राज परिवार ने आरोप लगाया है कि कुछ लोगों ने नगर निगम अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया है। इस संबंध में सिटी पैलेस के प्रशासनिक अधिकारी सिद्धार्थ सिंह ने जयपुर के माणक चौक थाने में राधा मोहन नाम के व्यक्ति सहित 4 लोगों के खिलाफ FIR करवाई है। 2 ट्रेनों को बेपटरी करने की थी साजिश। अजमेर जिले में रविवार रात मालगाड़ी को पटरी से उतारने की साजिश के मामले में SIT के साथ अलग अलग टीमें जांच में जुटी है। पुलिस की हर एक टीम विभिन्न एंगल्स पर काम कर रही है। लामाना गांव के ग्रामीणों से भी पूछताछ की जा रही है। साथ ही गांव में कुछ दिनों के भीतर अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिए हो इसे लेकर भी ग्रामीणों से पुलिस पूछताछ कर रही है। भाजपा नेता का बेटा पुलिसकर्मी से उलझा। अजमेर में जलभराव वाले क्षेत्रों में बैरिकेडिंग लगाकर ट्रैफिक डायवर्ट करने वाली पुलिस से भाजपा नेता का बेटा उलझ गया। पुलिसकर्मी ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने धमकाया और बैरिकेडिंग को हटा दिया। इसके बाद कार में बैठकर चला गया। मामले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। SP देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने बताया मामले में भाजपा नेता के बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, चालान भी किया गया है। कार्रवाई के लिए कोतवाली थाना प्रभारी को निर्देश दिए गए हैं। सवाई माधोपुर में 3 दिन ऑरेंज अलर्ट। सवाई माधोपुर में बारिश का दौर लगातार जारी है। हालांकि मंगलवार को यहां कम ही बारिश देखने को मिली लेकिन बुधवार अल सुबह से बारिश का दौर शुरू हो गया। यहां कभी तेज तो कभी हल्की बारिश लगातार हो रही है। मौसम विभाग ने सवाई माधोपुर के लिए अगले 3 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं बीते 24 घंटे की बात करें तो सवाई माधोपुर जिले में 4 mm बारिश दर्ज की गई। आरोपी को पकड़ने गए SHO समेत पुलिसकर्मियों से धक्का मुक्की। एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत भीलवाड़ा जिले के कई थाना क्षेत्र में आज अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस कार्रवाई की गई। इसी बीच एक अरेस्ट वारंटी को गिरफ्तार कर पुलिस गाड़ी में बैठाने के दौरान वारंटी के परिजनों व अन्य लोगों ने गाड़ी को चारों ओर से घेर लिया, SHO और जाप्ते के साथ मारपीट की और उनके कपड़े फाड़ दिए। इसके बाद धक्का मुक्की शुरू की। सूचना पर बड़ी संख्या में पुलिस जाप्ता मौके पर पहुंचा और कुछ लोगों को हिरासत में लिया।
राजस्थान में मेडिकल ऑफिसर के 1220 पदों पर निकली वैकेंसी राजस्थान के युवाओं के लिए अच्छी खबर है। भजनलाल सरकार ने प्रदेश में मेडिकल ऑफिसर के 1220 पदों पर वैकेंसी निकाली है। बताया जा रहा है कि यह सरकार की पहली इतनी बड़ी भर्ती है। इस भर्ती के लिए MBBS डिग्री के बाद मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड कैंडिडेट 11 सितंबर से 1 अक्टूबर तक राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। चौमू के मुख्य बाजार की सड़क पर दिखा लेपर्ड। चौमू शहर में 5 दिन से पैंथर ने आतंक मचा रखा है, जिससे चौमू शहर के लोग दहशत में हैं। देर रात चौमू शहर के मुख्य बाजार की सड़क पर पैंथर के आने जाने का फुटेज CCTV कैमरे में कैद हुआ है। शहर के मुख्य बाजार में देर रात करीब 12:30 बजे का यह CCTV फुटेज सामने आया। राजस्थान में टोल टैक्स फ्री। राजस्थान में वाहन चालकों से टोल नाकों पर मनमानी वसूली से अब राहत मिलेगी। सड़क परिवहन मंत्रालय ने मंगलवार को शुल्क वसूली की नई प्रणाली ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के लिए अपने नियमों में संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी है। शुरुआती 20 किलोमीटर की यात्रा पर वाहनों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। नया सिस्टम मौजूदा फास्टैग और ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन तकनीक का एक विकल्प होगा। अजमेर रेलवे स्टेशन से 4 साल की बच्ची का अपहरण। राजस्थान के अजमेर में एक बार फिर मासूम बच्ची के अपहरण का मामला सामने आया है। अपनी मां के साथ दरगाह में जियारत करने आई 4 साल बच्ची को आरोपी अजमेर रेलवे स्टेशन से उठाकर ले गया। अपहरण की पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। सूचना मिलते ही GRP और RPF ने तत्काल सारे फुटेज खंगाले और 8 घंटे में ही आरोपी को दबोच लिया। मिड डे मील कार्यक्रम के तहत अब होगा बड़ा बदलाव। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 4 महीने से पाउडर वाले दूध का इंतजार कर रहे विद्यार्थियों की प्रतीक्षा खत्म होने को है। उन्हें अब फिर से यही दूध देने का फैसला लिया गया है, लेकिन मोटे अनाज का स्वाद अभी वे नहीं चख पाएंगे। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में पाउडर वाले दूध की आपूर्ति शुरू कर दी है। राजस्थान के 18 जिलों में आज भारी बारिश। राजस्थान में भारी बारिश का दौर जारी है। प्रदेश के बांसवाड़ा में मंगलवार को सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आज पूर्वी और दक्षिण राजस्थान के 9 जिलों में भारी बारिश की आशंका जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं 9 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिनमें बांसवाड़ा, बारां, बूंदी, धौलपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, प्रतापगढ़ और सवाई माधोपुर जिले शामिल है। वहीं 9 जिलों में भारी का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिनमें अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, दौसा, डूंगरपुर, जयपुर, टोंक और उदयपुर जिले शामिल है। इसके अलावा अजमेर, झुंझुनू, राजसमंद, सीकर, सिरोही, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जालोर, जोधपुर, नागौर और पाली में भी बारिश होने की संभावना है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने CM भजनलाल शर्मा को लिखा पत्र। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने CM भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर अहम मांग रखी है। पत्र में उन्होंने प्रदेश में बुजुर्गों, विधवाओं, एकल महिलाओं एवं दिव्यांगों को दी जाने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन का जिक्र करते हुए कहा है कि ये सभी पेंशन धारक कानूनी तौर पर हर महीने पेंशन पाने के हकदार हैं, परंतु वर्तमान में ऐसा नहीं हो पा रहा है। सरकार ने JDA और नगर निगम को सौंपी ये बड़ी जिम्मेदारी। राजधानी जयपुर में सड़कों का काम राज्य सरकार ने बांट दिया है। नगरीय विकास विभाग ने इसके आदेश जारी किए। काम में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए और सामंजस्य बना रहे, इसके लिए नगरीय विकास विभाग ने एक कमेटी का भी गठन किया है। JDA आयुक्त इस कमेटी की संयोजक और सदस्य के रूप में दोनों नगर निगम के आयुक्त, JDA अभियांत्रिकी शाखा के दोनों निदेशक, JDA के वन संरक्षक और सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता को शामिल किया गया है। राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA में लाभार्थी बनकर गरीबों के हक का गेहूं उठाने वाले 83,679 कर्मचारियों में से 16,382 से राज्य सरकार 5 साल बाद भी वसूली नहीं कर सकी है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में 2020 में सामने आए इस मामले में अब तक 67,297 कार्मिकों से 82,66,00,000 रुपए की वसूली कर ली गई है। इन सरकारी कार्मिकों ने गरीब के हिस्से का गेहूं 1 से 2 रुपए किलो में लिया था, लेकिन इनसे सरकार ने वसूली गेहूं की बाजार कीमत 27 रुपए किलो के हिसाब से की है।
राजस्थान के 150 जीएसएस प्राइवेट कंपनियों को देने की तैयारी। स्विंग राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम RRVPNL ने प्रदेश के 150 जीएसएस को प्राइवेट कंपनियों को सौंपने की तैयारी कर ली है। इसके लिए सितंबर के पहले सप्ताह में आदेश जारी कर टेंडर भी निकाल दिए। इन 150 जीएसएस में 132 केवी के सब स्टेशन हैं। बताया जा रहा है कि अगले महीने से ये व्यवस्था लागू हो जाएगी। इसके बाद राजस्थान सरकार के पास एक भी जीएसएस का संचालन नहीं होगा। शिमला में मस्जिद का अवैध निर्माण हटाने को लेकर प्रदर्शन। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बुधवार को मस्जिद का अवैध निर्माण गिराने की मांग को लेकर हिंदू संगठन देवभूमि ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। शिमला के संजौली स्थित इस मस्जिद का रास्ता ढली टनल से होकर गुजरता है। प्रदर्शनकारियों ने यहां सड़क पर हनुमान चालीसा पढ़ा और जय श्री राम के नारे लगाए। उन्होंने पुलिस के बैरिकेड तोड़ दिए। पुलिस ने दो बार लाठीचार्ज किया और वाटर कैनन चलाई गई। पत्थरबाजी और झड़प में एक प्रदर्शनकारी और सिपाही घायल हुआ है। केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 सितंबर तक बढ़ी। शराब नीति केस में भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 सितंबर तक बढ़ाई गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। इसी मामले में आरोपी और एएपी विधायक दुर्गेश पाठक को अदालत ने जमानत 1,00,000 रुपए के बॉन्ड पर जमानत दे दी है। सीबीआई की सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर होने के बाद कोर्ट के समन पर वे अदालत में पेश हुए थे। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान से जुड़ी आज की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं कमेंट में उस जिले का नाम बताइए।